नमस्कार, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा वालवाट का प्लस एक की शिक्षक डायरी कैसे भरनी है। अभी ये जुलाई का लास्ट वीक रहेगा और निपुण भारत का आठवां सप्ताह प्रारंभ होगा, तो इस सप्ताह की शिक्षक डायरी कैसे हम भरेंगे वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना व बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो। वीडियो को लाइक करना और अन्य साथियों के लिए वीडियो शेयर करना। तो करते हैं प्रारंभ। सर्वप्रथम हम देखेंगे 25/7/2022 में क्या लिखना है। इसका PDF आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ कक्षा में एक प्लस बालवाट का लिखेंगे। विषय में हम देखेंगे तो शारीरिक शिक्षा, हिंदी, कला, गणित और अन्य गतिविधि। यहाँ लर्निंग आउटकम व चयनित पाठ जिसपे में कार्य करना है वो यहाँ अंकित करेंगे, और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया गतिविधियों का संक्षिप्त एवं स्पष्ट विवरण यहाँ पर लिखेंगे। सर्वप्रथम हमारा जो रहता है वो रहता है मॉर्निंग सर्कल टाइम में बच्चों का स्वागत करना, प्रार्थना, योगा और योगा के लाभ पर चर्चा, साफ सफाई चेक करना रहेगा आज। इसके बाद सेकेंड नंबर पर स्वतंत्र खेल, यहाँ सहज वंश से पाठ एक रेलगाड़ी कप्ता का सस्वर वाचन बच्चे करेंगे। इसके बाद हिंदी में भाषा और साक्षरता कौशल में कार्य करेंगे तो यहाँ सहज वंश से पाठ 10 रीता की गुड़िया कहानी सुनाना, हाव भाव के साथ कहानी सुनाएंगे और बच्चों से भी कहानी उनकी जुबानी सुनेंगे। अब आता है MDM, उसके बाद देखेंगे कला संबंधित गतिविधियाँ, यहाँ रंगोली बनवाना आज रहेगा। इसके बाद गणित EBS वैज्ञानिक सोच में हम देखेंगे संख्या गतिविधि, संख्या जंप कराना रहेगा, गतिविधि हम करा सकते हैं। बाहरी खेल में रेलगाड़ी का खेल कराना रहेगा। इसके बाद आता है गुडबाय सर्कल टाइम में देखेंगे मेरे पसंद का जानवर बच्चों से पूछ सकते हैं और अपना जो अपनी पसंद का जानवर है वो बता सकते हैं। अन्य गतिविधि में यहाँ पर खेल रहेगा, फिर चिड़िया उड़ करा सकते हैं। इसके बाद क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन यहाँ हो जाएगा कि आज का शिक्षण कार्य सफल रहा। अब हम चलते हैं इसके बाद दिनांक 26/7/2022 में देख लेते हैं क्या लिखना है। सर्वप्रथम मॉर्निंग सर्कल टाइम में देखेंगे तो स्वागत करना, प्रार्थना, योगा और आज अनुलोम विलोम कराना रहेगा। स्वतंत्र खेल में TLM में देखेंगे तो जोड़ने तोड़ने वाली वस्तुओं का प्रयोग करेंगे बच्चे। अब आता है भाषा और साक्षरता कौशल में सहज बन से पाठ 12 है ये झूला, ठीक है, झूला कहानी सुनाना रहेगा बच्चों को और बच्चों से भी कहानी आज सुनेंगे। MDM, उसके बाद कला में हम देखेंगे ओरगेमी, ठीक है, ओरगेमी कराना रहेगा। ओरगेमी में देखेंगे तो आज कागज की बोट बनवाना रहेगा। अब आता है गणित में 1 से लेकर 10 तक अंकों में सबसे बड़ा बस सबसे छोटा अंक बोर्ड पर समझाना रहेगा कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है इनमें और छोटा अंक कौन सा है। अब आता है बाहरी खेल, खेल में देखेंगे आकाश, पृथ्वी, पाताल कराना रहेगा। अब आता है गुडबाय सर्कल टाइम में देखेंगे तो यहाँ पे मुझे डर कब लगता है बच्चों से पूछना रहेगा। इसके बाद अन्य गतिविधि में हम कविता सुनना रहेगा, बच्चों से उनकी भाषा में कविता सुनेंगे। इसके बाद आता है क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन यहाँ हो जाएगा कि आज का शिक्षण कार्य सफल रहा। अब हम चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट डेट 27/7/2022 में देख लेते हैं हमें यहाँ पर क्या अंकित करना है। यहाँ देखेंगे मॉर्निंग सर्कल टाइम में देखेंगे बच्चों का स्वागत, प्रार्थना कराना, योगा और आज पद्मासन कराना रहेगा। इसके बाद स्वतंत्र खेल में बच्चे खेलेंगे। भाषा और साक्षरता कौशल में सा, ता, वा, ला अक्षर से बनने वाले शब्द बोलना रहेगा और बच्चों से ध्वनि पहचानने को कहेंगे कि कौन से अक्षर से ये शब्द जो है प्रारंभ हो रहा है। अब होगा MDM, उसके बाद कला में देखेंगे रंगोली बनवाना रहेगा आज भी। गणित EVS वैज्ञानिक सोच में देखेंगे कंकड़ों से जोड़ घटाव सिखाना रहेगा। 1 से 10 तक की जो संख्याएं हैं उन्हीं के अंतर्गत हमें कंकड़ों के माध्यम से या अन्य जो TLM है उसके माध्यम से बच्चों को जोड़ घटाना सिखाएंगे। इसके बाद आता है बाहरी खेल, बाहरी खेल में कप्तान कहते हैं। अब हमारा रहता है गुडबाय सर्कल टाइम में देखेंगे मेरे पसंद का खाना पूछना रहेगा बच्चों से। अब आता है अन्य गतिविधि, यहाँ आज चित्रकला रखेंगे जिसमें आम का चित्र बनवाना रहेगा। इसके बाद क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वागत यहाँ हो जाएगा कि आज का शिक्षण कार्य सफल रहा। अब हम चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट डेट 28/7/2022 में देख लेते हैं हमें यहाँ पर क्या अंकित करना है। यहाँ देखेंगे मॉर्निंग सर्कल टाइम में देखेंगे स्वागत करना, प्रार्थना, योगा, आज भुजंगासन कराना रहेगा।
स्वतंत्र खेल में देखेंगे चित्र कहानी प्रिंटरी सामग्री का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे जो बच्चे पसंद करते हैं चित्रों के माध्यम से कहानी देखेंगे। भाषा और साक्षरता कौशल में शा ता वाला अक्षर से बनने वाले शब्द बोलना और ध्वनि पहचानने को कहेंगे। MDM इसके बाद कला में देखेंगे मुक्त चित्रकारी रहेगी। गलत EBS वैज्ञानिक सोच में गिनती का खेल, 2, 3, 4 के समूह बनवा कर गिनवाना रहेगा। बच्चों को 2 और 3 और 4 के समूह में बैठा लेंगे, उसके बाद एक एक बच्चे से गिनवाएंगे। अब आता है बाहरी खेल। बाहरी खेल में रेलगाड़ी का खेल रहेगा। गुडबाय सर्कल टाइम में देखेंगे तो मुझे डर कब लगता है, यहाँ डर कब लगता है बच्चों से पूछना रहेगा। इसके बाद अन्य गतिविधि में हम ये देखेंगे खेल रहेगा कुर्सी पकड़। इसके बाद आता है क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन यहाँ हो जाएगा कि आज का शिक्षक कार्य सफल रहा। अब हम चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट डेट यानी 29/7/2022 में हमें यहाँ देखना है क्या अंकित करना है। यहाँ मॉर्निंग सर्कल टाइम में देखेंगे तो बच्चों का स्वागत, प्रार्थना, योगा, आज भुजंगासन कराना रहेगा। स्वतंत्र खेल में देखेंगे जोड़ने तोड़ने वाली वस्तुओं का प्रयोग करेंगे बच्चे। इसके बाद भाषा और साक्षरता कौशल में हुआ सवेरा चिड़िया बोली कविता का हाव भाव के साथ ससुर वाचन करेंगे और बच्चे भी इसका ससुर वाचन करेंगे। कला संबंधित गतिविधि देखेंगे तो रंगोली बनाना रहेगा। गणित EBS वैज्ञानिक सोच में देखेंगे मेज और जमीन को अंगुलियों से मापन का कार्य कराना रहेगा। इसके बाद आता है बाहरी खेल में खेल रहेगा पार्सल पास करना। गुडबाय सर्कल टाइम में देखेंगे तो मेरे पसंद का खाना बच्चों से पूछना रहेगा। अब आता है अन्य गतिविधि में हम देख लेंगे कविता सुनना, बच्चों से हम गीत कहानी कविता सुन सकते हैं। अब आता है क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन, यहाँ लिख सकते हैं कि आज का शिक्षक कार्य सफल रहा। अब हम चलते हैं इस सप्ताह का लास्ट दिन रहेगा यानी 30/7/2022 में देख लेते हैं हमें यहाँ क्या लिखना है। यहाँ मॉर्निंग सर्कल टाइम में देखेंगे बच्चों का स्वागत करना, प्रार्थना, योगा और आज भुजंगासन कराना रहेगा। इसके बाद हम देखेंगे स्वतंत्र खेल में बच्चों से क्वाइज कराना रहेगा। भाषा और साक्षरता कौशल में हम देखेंगे साप्ताहिक रिवीजन, किताबों को उलटने पलटने का मौका देंगे। इसके बाद MDM, उसके बाद देखेंगे कला संबंधित गतिविधियां, यहां मुक्त चित्रकारी करना रहेगा। गलत EBS वैज्ञानिक सोच में संध्या के साथ चिट खेल कराना रहेगा। अब आता है बाहरी खेल में, बाहरी खेल में बच्चों का मनपसंद खेल कराना रहेगा। इसके बाद गुडबाय सर्कल टाइम में देखेंगे तो मेरे पसंद का जानवर बच्चों से पूछना रहेगा। अब आता है लास्ट में हमारा अन्य गतिविधि, यहाँ चित्रकला रखेंगे, केले का चित्र बनवाना रहेगा। अब आता है क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वागत, यहाँ हो जाएगा कि आज का शिक्षक कार्य सफल रहा। तो ये थी इस सप्ताह की शिक्षक डायरी।